हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज। आई एम एडवोकेट वनिता। आई एम प्रेजेंटिंग हियर अगेन विद अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू लिमिटेशन एक्ट। इन द लास्ट प्रीवियस क्लास ऑफ लिमिटेशन एक्ट वी हैव स्टार्टेड द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आर्टिकल 1 to 60। और एक ओवरव्यू जो है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवा दिया था। अगर आपने मेरा वो लास्ट वीडियो जो नहीं देखा है तो आप मेरा वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5th, दैट इज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या टाइम पीरियड है वो सारा आज हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम चलें सेक्शन 60 के ऊपर, 61 के ऊपर, तो बात कर रहा है बाय मॉर्टगेजर। मॉर्टगेजर के द्वारा क्या टाइम पीरियड दिया गया है, और 63 बात करता है बाय मॉर्टगेजी। सबसे पहले मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी क्या होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। देखिए, मॉर्टगेजर कौन होता है? मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना एज ए सिक्योरिटी के तौर पर। ये दो पर्सन होते हैं, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के एवज में ये ए व्यक्ति है कोई, ये क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर रहा है। मॉर्टगेज का मतलब गिरवी रख रहा है बी को, और इस प्रॉपर्टी के बदले ए क्या ले रहा है, ए ले रहा है 5 लाख रुपए कि जी मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए मेरी इस प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी क्या, एक तरीके से सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी उसको दे रहा है। जब आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट करोगे उसमें मॉर्टगेज कई प्रकार के होते हैं, वो हम डिस्कस वहां पर करेंगे। सिक्योरिटी दे रहा है, ये कर रहा है मॉर्टगेज। जब आप मॉर्टगेज करोगे कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे तो उसमें दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होगा जो मॉर्टगेज कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, मॉर्टगेजर। और दूसरा व्यक्ति होगा जो मॉर्टगेज उसका ले रहा है, इनकी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी कर रहा है, जिसके पास मॉर्टगेज की जा रही है उसे क्या बोलेंगे, मॉर्टगेजी, से मॉर्टगेजी बोलेंगे। ए ने यहाँ क्या किया, बी को अपनी जो प्रॉपर्टी है सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट करवा दी, 5 लाख रुपए ले लिए कि मैं 2 साल में आपकी पेमेंट दे दूंगा। अगर ए 2 साल के अंदर विद इन 2 ईयर्स अगर वो पेमेंट जो है बी को चुका देता है और उसके बाद भी बी उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा, तो ए के पास क्या राइट आ जाएगा, राइट टू रिडम्पशन, राइट टू रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन का राइट आ जाएगा। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि अब वो रिडीम करवाना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहता है, उसके लिए वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। और कब सूट फाइल करेगा, जब उसने वो पेमेंट उसकी कर दी है और उसका पोजेशन उसको नहीं मिल रहा है, जिस दिन से, वही दिन कॉज ऑफ एक्शन होगा और उसी दिन से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो बात हो गई, ये तो हो गई मॉर्टगेजर के राइट्स की बात हो गई। मॉर्टगेजी क्या करता है, मान लीजिए मॉर्टगेजी है, उसने 2 साल के लिए पेमेंट दी, 2 साल में वो डेट जो है उसका नहीं आया। अगर डेट नहीं आता तो मॉर्टगेजी यहाँ पर क्या करवाएगा, फोरक्लोजर करवाएगा। फोरक्लोजर का मतलब है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के बदले जो पेमेंट है वो क्लेम करने की बात करेगा, और जब वो कोर्ट से फोरक्लोजर करवा लेगा उसके बाद क्या, उसके पास एक राइट आ जाता है, वो उस प्रॉपर्टी को आगे सेल भी कर सकता है। तो यहीं पर हम 61 और 63 जो है वो मॉर्टगेज के रिलेटेड है। मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी की क्या राइट है, क्या लिमिटेशन पीरियड है, वो इसमें है कि अगर मॉर्टगेजर रिडीम करवाना चाह रहा है, प्रॉपर्टी को वापस लेना चाह रहा है, या उसको रिकवर करना चाह रहा है, रिडीम करवाना चाह रहा है या रिकवर करना चाह रहा है, क्या पोजेशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी उसने, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये मूवेबल की नहीं हो रही, जमीन है, मकान है, ऐसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ है 30 ईयर्स। इसका क्या है, टाइम पीरियड दिया गया है 30 ईयर्स के अंदर अंदर। कब से स्टार्ट हो जाएगा, व्हेन द राइट टू रिडीम और रिकवर पोजीशन ऑफ, जिस दिन ये व्यक्ति पेमेंट कर देता है, डेट क्लियर कर देता है, उस दिन से ये राइट स्टार्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है ये तो रिडीम के रिगार्डिंग था, 12 ईयर के अंदर अंदर जो है वो रिडीम करवा सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। बी क्लोज कहता है कि टू रिकवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज जो की गई थी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिर्फ पोजेशन लेना है, एंड आफ्टर वर्ड ट्रांसफर बाय द मॉर्टगेजी फॉर ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन, और उसके बाद क्या करेगा, एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन उसको ट्रांसफर कर देगा, एक पेमेंट उसको ट्रांसफर करेगा, कि एक हाथ से रिकवर करेगा पोजेशन और दूसरे हाथ से पेमेंट ट्रांसफर करेगा। उसके लिए 12 ईयर्स का टाइम पीरियड है। ये कब से स्टार्ट होगा, व्हेन द ट्रांसफर बिकम नॉन टू द प्लेंटिफ, कि मान लीजिए जो ट्रांसफर मॉर्टगेजी ने है उस प्रॉपर्टी का कहीं और कर दिया है किसी और व्यक्ति को। ये ट्रांसफर की बात है, मान लो ए ने बी को मॉर्टगेज किया,
बी ने आगे किसी और व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी। जिस टाइम प्लेंटिव, प्लेंटिव का मतलब मॉर्टगेजर, जिस टाइम मॉर्टगेजर को पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो चुकी है, उस दिन से लेके 12 साल का टाइम पीरियड है, 12 साल के अंदर वो रिकवर करवा सकता है। नेक्स्ट कहता है कि टू रिकवर सरप्लस कलेक्शंस रिसीव्ड बाय द मॉर्टगेजी, मॉर्टगेजी ने मान लो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कलेक्शंस है, कुछ सरप्लस अमाउंट्स वगैरह है, कुछ और उसके साथ अटैच कर दिया है, तो कह रहे हैं कि उस टाइम में 3 ईयर का टाइम पीरियड है जब मॉर्टगेजर दोबारा से मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में आ जाएगा, तो फिर वो जाकर कुछ अलग जो सरप्लस कलेक्शन है उसको वो क्लेम कर सकता है। ये राइट्स थे मॉर्टगेजर के, लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ। बात करते हैं हम मॉर्टगेज के रिगार्डिंग 62 का क्या कह रहा है। टू एनफोर्स पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय ए मॉर्टगेज और अदरवाइज चार्ज अपन मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई पेमेंट है जो मॉर्टगेज में सिक्योर करी गई थी, रुपया जो देना था उस रुपए की बात है, कुछ और भी अगर उस रिमूवल प्रॉपर्टी से कोई चार्ज वगैरह है, कुछ मैसने प्रॉफिट वगैरह है, तो उसको रिकवर करने का क्या हो जाएगा, 12 ईयर्स का टाइम पीरियड है। कब से? व्हेन द मनी सूड फॉर बिकम ड्यू, जिस दिन से रुपया जो है ड्यू काउंट होगा। मान लीजिए ए ने मॉर्टगेज किया बी को और एक डेट रख दी 1/5/2021 तक आप जो है पेमेंट कर दोगे, तो 1/5/2021 से अगला दिन जो क्या है वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन से ड्यू माना जाएगा। ये मॉर्टगेजर से रिलेटेड था, 61-62 मॉर्टगेज से रिलेटेड है कि कोई भी उसमें अमाउंट सिक्योर की गई है उसके मैटर में ये बात हो रही है। अगर हम इसको आगे नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है 63 कहता है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का मतलब है कि अब क्या हुआ, ए ने प्रॉपर्टी जो है बी को मॉर्टगेज कर दी, अब बी ने पेमेंट दे दी उसको, बी को जो है डेट नहीं मिल रहा, डेट नहीं आया अब तक, तो क्या कराएगा, फोर क्लोज करवाएगा कि जी मेरी जो अमाउंट है, जो मनी सिक्योर किया गया था वो ड्यू हो चुका है, तो कितना टाइम पीरियड है इसमें, 30 ईयर्स का टाइम पीरियड है। अगर वो फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है जो कागजों में एक टाइटल डीड से मॉर्टगेज होता है, उस तरीके से मान लो मॉर्टगेज किया गया है, और जब मॉर्टगेजी को ये लगता है कि उसको उसका पोजीशन मिलना चाहिए, तो जब मॉर्टगेजी एंटाइटल हो जाता है, जिस दिन से मॉर्टगेजी हकदार है उस प्रॉपर्टी को लेने का, उस दिन से लेके 12 इयर्स तक वो क्या कर सकता है, कोर्ट में फोर क्लोजर की एक अप्लीकेशन लगा सकता है। ये बात कर रहा है हमारा सेक्शन 63। अगर हम इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को आगे लेकर चले तो हमारे पास दो और इम्पोर्टेंट सेक्शन है 64 और 65। 64 बात कर रहा है फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन नॉट ऑन टाइटल, कि मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर आपका पोजेशन है, आपका कब्जा है और उसके आप एंटाइटल नहीं हो, टाइटल आपके पास नहीं है, व्हेन द प्लेंटिव वाइल इन पोजेशन, जब आप उस पोजेशन पे हो और उस प्रॉपर्टी से आपको निकाल दिया जाएगा, तो उसके अंदर आपको जो है 12 इयर्स का टाइम पीरियड मिलेगा। टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगिन टू रन आ जाएगा द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, जिस दिन उसको डिस्पोजेस कर दिया उस दिन से ये माना जाएगा। अगर हम इस कंसेप्ट को देखते हैं तो हमारा सेक्शन 6 है एसआरए का, वो यही बात कर रहा है जो सेक्शन 6 एसआरए है। सेक्शन 6 एसआरए क्या कह रहा है उसके बारे में, ये टाइम पीरियड जो 12 ईयर यहाँ डिसाइड दिया कि 12 साल का टाइम पीरियड है। अगर आप पोजेशन लेना चाहते हो, कौन से किससे रिलेटेड पोजेशन लेना है आपने, डिस्पोजेशन अगर आपको कर दिया गया है, डिस्पोजेशन किस चीज में जिसके पास आपका टाइटल नहीं था, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं एडवर्स पोजीशन की बात हो रही है, और सेक्शन 6 के साथ इसे रीड किया जा सकता है। अगर आपके पास एसआरए का बेरेक्ट है तो आप बेरेक्ट निकाल लीजिए, उसमें आपको ये जो है मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो कह रहा है कि अगर हम सेक्शन 6 की बात करते हैं, एक मिनट मैं ना बेरेक्ट निकाल ही लेती हूँ सेक्शन 6 का एसआरए का पीडीएफ में, फिर आपको समझाती हूँ। देखिए एसआरए का जो सेक्शन एसआरए का सेक्शन 6 कह रहा है कि इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स अगर उसको क्या किया गया, वहां से डिस्पोजेस्ड कर दिया गया, ही और एनी पर्सन, या तो वो खुद या थ्रू होम, या एनी पर्सन जिसके पास पोजेशन था, मान लो उसका फादर है, उससे उसको कोई राइट डिराइव हुआ है, या एनी अदर पर्सन से, तो वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है उस पोजेशन को रिकवर करने के लिए। तो ये रिकवर करने की बात कर रहा है कि उसे रिकवर करना चाह रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका पोजेशन था, तो उसके रिगार्डिंग ये बात की गई है कि हालांकि उसका टाइटल नहीं था, तो अगर मान लो यहां पर बात हो रही है रिकवर पोजेशन, पोजेशन को रिकवर करने की बात हो रही है, और उसके लिए क्या करोगे कि चाहे उसके पास टाइटल था या नहीं था, तो इसके साथ
अगर हम वैसे समझे तो ये बात कही गई है इस प्रोविजन को, अगर हम आगे देखते हैं तो ये प्रोविजन कहता है कि नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट, कोई भी सूट जो है कब नहीं लाया जा सकता, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन के 6 महीने के बाद जो है आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो, अगेंस्ट द गवर्नमेंट आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ ये गवर्न होता है आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट से। इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है वो क्या बात कर रहा है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट बात कर रहा है कि फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें पोजेशन लेना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट एंटाइटल्ड, व्हेन द प्लेंटिफ व्हाइल इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोज्ड, जो पोजेशन में था और उसे डिस्पोज कर दिया गया है। जैसे एडवर्स पोजेशन की बात इसमें आएगी, अगर एडवर्स पोजेशन है तो उसके तहत जो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर क्लेम कर सकते हो अपना राइट 12 साल के अंदर अंदर जब आपको डिस्पोजेस कर दिया जाएगा, उसकी बात हो रही है ये। अब हम बात करते हैं सेक्शन 65 की, सॉरी आर्टिकल 65 की बात कर रहा है, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन बेस्ड ऑन टाइटल, टाइटल पर बेस्ड अगर कोई आपका पोजेशन है, जो सेक्शन 5 ऑफ SRA बात कर रहा है वो कहता है कि अगर आपके पास टाइटल है, टाइटल के बेस पे आपको 12 साल का टाइम पीरियड है, कब से, व्हेन द पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट बिकम एडवर्स, यहाँ पर एडवर्स पोजीशन की बात हो रही है टाइटल के बेस पर, यहाँ भी एडवर्स पोजीशन की बात हो रही है लेकिन यहाँ टाइटल भी है उस व्यक्ति का जो सामने वाली पार्टी है, जैसे प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है तो यहाँ इसका क्या है टाइटल है, बट ऊपर वाले में क्या था पी है और डी है, ना तो इसके पास टाइटल है ना इसके पास टाइटल है, तब डिस्पोजेस कर दिया गया, तो जिसका पोजेशनरी राइट ज्यादा होगा उसको वहां पर क्या मिलेगा बेनिफिट मिल जाएगा, ये बात कर रहा है हमारा सेक्शन सॉरी आर्टिकल 65। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है उसको देख लेते हैं, कह रहा है एक्सप्लेनेशन इस आर्टिकल के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से कौन कौन जो है किसको राइट यहाँ पर मिल रहा है और किस प्रकार से उसे वो राइट वो अपना एक्सरसाइज करेगा, ये बात यहाँ पर कह रहा है ये। चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के हिसाब से वेयर द सूट इज बाय रिमाइंडर मैन है, रिवर्सनर है, या जिसके पास वो पोजेशन आया था और उसका बिकम एडवर्स ओनली व्हेन द स्टेट, उसके बाद जो है सेक्शन 5 में अगर एडवर्स आ गया है, किसका पोजेशन की बात हो रही है, ये रिमाइंडर मैन है या रिवर्सनर है जिसको प्रॉपर्टी वापिस जाती है। फिर सेकेंड टर्म इसमें बात कर रहा है वेयर द सूट इज बाय हिंदू और मुस्लिम एंटाइटल टू पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द डेथ ऑफ द हिंदू और मुस्लिम फीमेल, हिंदू और मुस्लिम जो है वो फीमेल है अगर, तो उसकी डेथ के बाद द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू बिकम एडवर्स ओनली जब फीमेल डाई, कोई डिफेंडेंट जो होगा एक व्यक्ति जो सूट फाइल कर रहा है दूसरा जो उसको डिफेंस कर रहा है, तो डिफेंडेंट का राइट कब अराइज होगा, शैल बी डीम्ड जब उसका एडवर्स पोजेशन हो जाएगा, यानी कि एडवर्स पोजेशन की बात ये कर रहा है। वेयर द सूट इज बाय अ परचेजर एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन, जब कोई सूट फाइल किया गया परचेजर के द्वारा, कब किया गया है, एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, कि एग्जीक्यूशन के लिए कोई जो डिक्री उसको मिली है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए जब कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो कह रहा था परचेजर शैल बी डीम्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर, तो ये माना जाएगा जो जजमेंट डेटर होगा उसका वो क्या है रिप्रेजेंटेटिव होगा। नेक्स्ट प्रोविजन कहता है फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन द प्लेंटिफ हैज बिकम एंटाइटल्ड टू पोजेशन बाय रीजन ऑफ एनी फॉरफीचर और ब्रीच ऑफ कंडीशन, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी ये वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लेंटिफ एंटाइटल हो जाएगा जब कोई उसकी फॉरफीच की गई उस प्रॉपर्टी का कंडीशन, मान लो ये कंडीशन थी कि इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेगा या रेंट पे दे दिया है, ठीक है रेंट पे दे दिया और ये व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है काफी टाइम से, कंडीशन थी कि ये इसके अंदर जो कुछ भी वर्क नहीं करवाएगा लेकिन वो ब्रीच कर देता है उस कंडीशन की, ए है उसने बी को दिया रेंट पर, ब्रीच करने के बाद क्या है वो फॉरफीचर जो है माना जाएगा, जब वो कंडीशन ब्रोक की जाएगी तो उस टाइम से माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी को 12 ईयर का टाइम मिल गया कि वहां तक वो उसको क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट प्रोविजन कहता है बाय अ लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजेशन, एक लैंडलॉर्ड जो है कैसे अपने टेनेंट से पोजेशन रिकवर कर सकता है, व्हेन द टेनेंसी इज डिटरमाइंड, जब मान लो ए ने अपना मकान है ये वाला ये रेंट पे दे दिया बी को और 10 साल के लिए दे दिया या 5 साल के लिए दे दिया, तो उसके अंदर जैसे वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा वो 12 ईयर उस टाइम से लेके काउंट होगा। नेक्स्ट प्रोविजन हम देखते हैं पार्ट 6 जो बात कर रहा है सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट कब फाइल किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग 3 ईयर का टाइम पीरियड है, कोई इश्यू यहाँ पर अराइज नहीं होता
और इससे रिलेटेड चार सेक्शन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इससे रिलेटेड चार सेक्शन है 68, 69, 70, 71। फोर आर्टिकल्स रिलेटिंग टू, पहला कह रहा है फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी लॉस्ट और एक्वायर्ड बाय थेफ्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन। किसी ने प्रॉपर्टी चोरी कर ली है या मान लो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया, प्रॉपर्टी किसी को सौंप के गए, उसने आगे उसका गलत यूज कर दिया, उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया है, तो 3 ईयर का टाइम पीरियड है। जब क्या होगा? जब पहली बार फर्स्ट लर्न टू होज पोजेशन, जब पता चलता है प्लेंटिफ को कि पहली उसका पोजेशन किसके पास है। अगर कोई स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है, कह रहे जब रॉन्गफुली उसको टेकन लिया जाएगा उसके रिगार्डिंग, टू रिकवर मूवेबल प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड और पॉन, पॉन का मतलब है प्लेज कर दिया गया किसी प्रॉपर्टी को, गिरवी रख दिया गया है, तो 3 साल का टाइम पीरियड होगा। उसमें द डेट ऑफ रिफ्यूजल, जब मान ली जाती है उस प्रॉपर्टी को वापस लेने की बात आती है और वो वापस ना दे उस टाइम से। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है इसके अंदर, टू रिकवर मूवेबल प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड और पान एंड आफ्टर वार्ड बोथ फ्रॉम द डिपॉजिटरी और पानी फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कह रहे जो प्रॉपर्टी रिकवर करनी है मूवेबल, जब क्या है गिरवी रखी गई थी और उसका वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, तो क्या होगा व्हेन द सेल, मान लो जब वो आगे पानी ने आगे किसी और को सेल कर दी उस प्रॉपर्टी को, फर्दर सेल हो गया, तो उस मामले में जब प्लेंटिफ को पता चलता है कि वो आगे सेल हो चुकी है, उस टाइम से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और रिवीजन भी करते रहिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।